हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय माता दी। आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, अभी हम मायके आए हुए हैं, छठ पूजा हो रहा है यहाँ, इसलिए तो देखिए अभी सुबह सुबह आज खरना का दिन है और सब लोग पटना गंगा घाट जाने के लिए रेडी है स्नान करने के लिए। गंगा स्नान लोहर के दिन, मतलब जिस दिन खरना रहता है उस दिन बहुत लोग जाते हैं स्नान करने। तो मेरे घर से भी भाभी और मेरी दोनों दीदी छठ पूजा करेंगी, इसलिए वो तीनों ही जा रही हैं गंगा स्नान करने। और वहाँ से गैलन में पानी भर के ले आएंगी, जो कि रात के जो प्रसाद बनता है ना, खीर, वो उसी पानी से बनेगा, गंगा का पानी से बनता है। तो अभी देखिए भाभी साड़ी पहन के रेडी हैं और ये है मेरी बड़ी वाली दीदी। तो सब लोग अभी निकल रहे हैं। तो अभी देखिए ये है मेरे मंझले वाले जीजा जी और दीदी, ये सब जा रहे हैं और बिना चप्पल के खाली पैर ही जाया जाता है। तो जीजा जी तो चप्पल पहने क्योंकि वो व्रत नहीं कर रहे हैं, दीदी कर रही है, इसलिए वो खाली पैर जा रही है, नंगे पैर ही जाया जाता है। तो ये देखिए आगे निकल गए मंझले वाली दीदी और जीजा जी, और उसके बाद ये बड़ी वाली दीदी जा रही है अपने बेटे के साथ। तो बड़ी बड़ी दीदी जिया जी अभी नहीं आए थे, तो उनका बेटा आया हुआ था, तो वो साथ में जा रहा है लेके। और इस गाड़ी पर देखिए मेरे भैया और भाभी हैं, ये तीनों ही जा रहे हैं स्नान करने। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय माता दी। आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और अभी मॉर्निंग का टाइम है, चाय तो पी लिए हैं हम लोग, और आज है लोहर मतलब खरना का दिन, तो दूध का चाय नहीं, नींबू वाला चाय बना था। और अभी देखिए इसमें सब्जी काट के अभी रखे हैं, उसको धोएंगे और धो के अभी सब्जी बनाएंगे। मेरा बेटा उठ गए, गुड मॉर्निंग बेटा। अब दीदी, दोनों दीदी और भाभी ये लोग सब गए हैं गंगा नहाने पटना, तो वो लोग आएंगे। वो लोग का तो फास्टिंग है, बाकी घर के लोगों के लिए तो खाना बनेगा ही। गमला यहाँ सब्जी काटे हैं, आलू सीम और बैगन मिक्स करके बनेगा। हाँ ठंडा लग रहा है क्या? तो ज्यादा दौड़ा दौड़ी मत करना, ठीक है? भी मतलब एनर्जी वेस्ट क्यों करती हो इतना ज्यादा? जा मुंह धो लेना, तो जाओ धूपा में बैठो, तो सोफा के पास, थोड़ा थोड़ा ठंडा लग रहा है ना। सर्दी वासी लगा है क्या? यहाँ वहां का पानी लगेगा तो थोड़ा तो तबियत खराब होगा। जा धूपा में जाकर बैठो, सोफा पास धूपा है, जा थोड़ा देर के बाद फिर ब्रश कर लेना, देख के ध्यान से जाओ। चावल दाल सब्जी ही बनाएंगे, बहुत ज्यादा कुछ नहीं बना पाएंगे क्योंकि इतने सारे लोगों को बनाना है। और ऊपर से कि साग रखा हुआ है, बट इतना सारा साग रखा है और वो साग अब साफ नहीं हुआ है, वो कौन साफ करेगा? उतना साग साफ होने का बात ही नहीं है, साफ साफ होगा नहीं तो बनेगा कैसे? अब मेरे यहाँ ऐसे है कि जैसे जैसे साफ करने पर कोई खाएंगे भी नहीं, अच्छा से टाइम देखे से साफ करना पड़ेगा। तो बाद में देखते हैं, पहले सब्जी बना लेते हैं, दाल चढ़ा देते हैं एक साइड में और सबसे लास्ट में चावल चढ़ा देंगे। हर साल बिहार में जैसा ठंडा होता था ना, इस साल उतना ज्यादा ठंडा नहीं है। मुझे लग रहा था कि काफी हो सकता है होगा, लेकिन नहीं, अच्छा बात है नहीं ठंडा है। तो नहीं तो बाप रे बाप, छठ पूजा में जो लोग फास्टिंग में रहते हैं, बढ़ती जो छठ किए हुए होते हैं, बापरे वो लोग पानी में एकदम थर 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 कांपते रहते हैं ज्यादा ठंडा जब गिरता है। तो अभी उतना ज्यादा नहीं है तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अभी दो चार दिन भगवान ऐसे ही रखिए, ज्यादा मत बढ़ाइए ठंडा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से। ऐसे ही कंटिन्यू ब्लॉग पर बने रहिए और इंजॉय करते रहिए ब्लॉग को, और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे इस पे। तो वो लोग उधर नहाने गए और इधर सब्जी धो के, और अभी देखिए सब्जी छौंक दिए हैं, सब्जी बनेगा और बाकी का खाना भी बनेगा। शाम भी उठी, उसे भूख लग गया, बोलिए कुछ खाने को दो। तो अभी तो कुछ बना नहीं है, तो रोटी बनेगा नहीं क्योंकि आज रात को खरना रोटी प्रसाद होता है, इसलिए आज रोटी नहीं बनता है। तो बिस्किट ब्रेड और मिठाई दे दे रहे हैं उसे, वो खा लेगी। शाम भी ले जाओ, चप्पल पहन लो, चप्पल
नहीं तो सॉक्स पहनोगी तो पहन लो। लो खिड़की से ले लो, खिड़की से। ये है मसूरी का दाल और मसूर का दाल जा रहे हैं अभी बनाने। चुना हुआ है, मोटा वाला दाना है। देखिए अभी देखिए हमारे गांव में जिस जिस के घर में छठ पूजा हो रहा है वहां पे ये लोग कुल सूप बांट रहे हैं। तो इसी टाइम दीदी जी लोग सब देखिए अभी गंगा स्नान करके जैसे ही घर के अंदर आ ही रहे थे कि ये जो भी थे कोई बांट रहे थे वो हम लोग के घर भी आए देने। तो हम लोग के घर में जाने पहले तो एक कुल सूप लेके आए, लेकिन जब जाने कि इस घर में तीन लोग व्रत कर रहे हैं तो फिर बाद में एक एक करके तीनों के नाम से तीन कुल सूप लेकर आए। उसमें एक नारियल, अगरबत्ती और कुछ था शायद, मुझे ठीक से इतना पता नहीं है। तो अभी देखिए तीन सूप हमारे यहाँ अभी दिए हैं व्रत के नाम पे। सब लोग हेल्प कर रहे थे, अपना पुण्य के लिए करता है, बहुत लोग करते हैं सब। और उसके बाद देखिए खाना बन चुका था तो यहाँ पे सब लोगों को खाना परोस दिए हैं, लगा दिए हैं। तो सबसे पहले देखिए ये दीदी का छोटा वाला बेटा है, उसके बाद जीजा जी है, उसके बाद मेरी सानवी है, उसके बाद भैया की बेटी है, उसके बाद फिर मेरी बड़ी वाली दीदी का बेटा है और इधर मेरे भैया बैठे हुए हैं रेड गंजी में। तो सब लोग एक साथ बैठ के खा रहे हैं तो अच्छा लगता है इस तरह से, जब शादी ब्याह हो या पूजा त्यौहार कुछ भी होता है और जब सारे लोग घर के एक साथ जुट जाते हैं और एक तरह हंसी मजाक होते रहता है और बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह का माहौल। फिर पता नहीं ऐसा नसीब कब होगा नहीं होगा। अरे उल्टा जाके मुंडी पटका जाएगा उसका, काहे को दे लेती हो? ए वहाँ क्या रहता है रुद्र? ए रुद्र क्या रहता है वहाँ भूतुआ? क्या मासी पूछ रही है, दुकान में क्या रहता है? तितली का घर देखेगा? अभी दोस्तों सीधे शाम को मिल रहे हैं और अभी देखिए ये है मेरी बड़ी वाली दीदी जो कि व्रत की हुई हैं और वो जो पर्पल कलर की साड़ी में है, ये है मेरी मझली वाली दीदी, इनका नाम अंजलि है। तो ये खीर बना रही है, खरना का प्रसाद बनता है तो अंदर भी बनता है और बाहर भी बहुत सारा बनाना पड़ता है क्योंकि हम लोग के यहाँ गांव में लोगों को खिलाया जाता है तो बहुत सारे लोग होते हैं। तो इतना बड़ा डेगची में देखिए खीर बन रहा है और ये मेरी भाभी की भाभी है दोनों, तो वो दो लोग भी आए थे तो पूजा में बहुत हेल्प हो जाता है, सब लोग आए हुए थे। तो अभी देखिए हम लोग के यहाँ रोटी और खीर का प्रसाद बनता है तो यहाँ रोटी के लिए आटा सान रही है, ये है मेरी भाभी की छोटी वाली भाभी और ये है मेरी अंजलि दीदी जो कि खीर बना रही है और सब मिल बांट के प्रसाद बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए मेरी भाभी हैं जो पूजा रूम में नीचे खाना खीर बना रही हैं, ये खीर स्पेशली नीचे जो खरना करती हैं ना उनके लिए होता है और फिर बाहर वाले खीर में इसे मिक्स कर दिया जाता है। तो ये देखिए नीचे भाभी बना रही थी और ये मेरी मम्मी है जो खेत से ताज़ा एकदम फूल और क्या बोलता है हल्दी और अदरक होता है ना पत्ता वाला, वो सब कुल सूप में रहना चाहिए, रहता है अड़क के टाइम, तो इसलिए वो सब ला के रख दी है मम्मी। और यहाँ देखिए खीर बन गया था, उसके बाद दोनों तीनों सब मिल के यहाँ रोटी बना रहे हैं और साथ में छठ पूजा का गीत भी गाती हैं सब लोग, गागा के प्रसाद बनते रहता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम आनंद लगता है। खरना का टाइम हो गया था तो भाभी और दोनों दीदी यहाँ पर खरना का जो भी पूजा वूजा होता है वो सब कर रहे हैं। उसके बाद ये लोग पहले अपना खरना कर लेंगी, प्रसाद खा लेंगी, उसके बाद ही हम लोग घर के कोई भी आदमी खा पाएंगे या बाहरी लोग जो भी आते हैं गांव में वो लोग खा पाएंगे। तो पहले इन लोगों का खाना होता है। तो अभी देखिए अंजलि दीदी बेबी दीदी को सिंदूर लगा रही है और ये लोग अपना जो भी नियम है कर रही हैं। पापा
ये पेपर को यहाँ फैला दिया। तो खंडा पूजा हो जाने के बाद यहाँ पर देखिए सब लोग खाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो पहले बच्चों को बैठा दिए थे ताकि सब लोग खा पाए, भूख भी लगी थी। तो सारे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, भाभी के घर के, मेरे घर के, और इधर भैया की बेटी है बड़ी वाली। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर और फ्रेंड।